हाथरस मामले पर आज हुई सुनवाई। कड़ी सुरक्षा के बीच इलाहाबाद कोर्ट के लखनऊ बेंच में पेश हुआ पीड़ित परिवार। पीड़िता के दोनों भाई, पिता, माता और भाभी ने दर्ज किए बयान। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव में की विशेष मीडिया समन्वयकों की नियुक्ति। समन्वयक करेंगे मीडिया समिति की मदद, पवन खेड़ा करेंगे अध्यक्षता। विजय राजे सिंधिया के सम्मान में पीएम मोदी ने जारी किया 100 रुपए का सिक्का। सिक्के के एक और विजय सिंधिया की तस्वीर तो दूसरी ओर अशोक चक्र है। ग्वालियर की राजमाता कही जाती हैं विजय राजे सिंधिया। जीएसटी परिषद की बैठक से पहले राहुल का हमला। राहुल गांधी ने कहा, मोदी के लिए लोगों का भविष्य क्यों गिरवी रख रहे हैं मुख्यमंत्री। केजरीवाल सरकार का फैसला, दिल्ली में 2021 से शुरू होगी स्किल यूनिवर्सिटी। युवाओं को रोजगार देना होगी प्राथमिकता। कहा, अब जॉब के लिए बच्चों को नहीं होना पड़ेगा परेशान। योगी पर हमलावर हुई बसपा सुप्रीमो मायावती। यूपी में संत की हत्या पर सीएम योगी पर साधा निशाना। बोली, संत के राज में साधु भी सुरक्षित नहीं। मुंबई ग्रिड फेल पर कंगना ने किया महाराष्ट्र सरकार पर तंज। संजय राउत की एक फोटो शेयर कर लिखा, अब महाराष्ट्र सरकार कहेगी क क क कंगना। अरमान मलिक, अनुपम खेर समेत कई सेलिब्रिटीज ने जाहिर की परेशानी। फारूक अब्दुल्ला का मोदी पर हमला। कहा, चीन की मदद से फिर लाएंगे आर्टिकल 370। एलएसी पर तनाव का कारण है 370 का हटना। तीर्थयात्रियों को वैष्णो देवी मंदिर जाने में होगी आसानी। 15 अक्टूबर से बहाल होगी नई दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा। महामारी को देखते हुए दी जा रही है सुविधा। कोरोना प्रभावित दूसरा सबसे बड़ा देश बना भारत। देश में 24 घंटे में आए 66,000 नए केस। 71,000 ठीक हुए, कुल संक्रमित 71 लाख के पार। कोरोना पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया ट्वीट। खुद को बताया कोरोना वायरस मुक्त। ट्विटर ने ट्वीट पर फ्लैग तथ्यों को बताया गलत। गलत जानकारी साझा करने के लिए ट्रंप को दी चेतावनी। उत्तर कोरिया ने लॉन्च की मिसाइल हुएसोंग 15। 3500 किलोग्राम के परमाणु बम को भी ले जा सकती है मिसाइल। विशेषज्ञों ने दी जानकारी, अमेरिका को भी ध्वस्त कर सकती है हुएसोंग 15। लीबिया में कैद किए गए मजदूरों को किया गया रिहा। आंध्र प्रदेश, बिहार और गुजरात से हैं मजदूर। 4 सितंबर को इन्हें लीबिया के अस्वेरिफ इलाके से किया गया था अगवा। पंजाब के किसानों के समर्थन में उतरे ब्रिटिश सिख। किसानों के समर्थन में निकाली कार रैली। स्थानीय प्रशासन ने रैली निकालने पर लगाया जुर्माना। कोरोना वायरस का दिया हवाला। अजरबैजान में आर्मेनिया रॉकेट हमले से मची तबाही। 7 लोगों की हुई मौत, 33 लोग घायल। रक्षा मंत्रालय ने दी हमले की जानकारी। जीएसटी बैठक से पहले वित्त मंत्री ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए किया ऐलान। कहा, मांग प्रोत्साहित करने के लिए सरकार उपभोक्ता खर्च और पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए कर रही है उपाय। भारत में बढ़ा डिजिटल भुगतान। लॉकडाउन में बढ़ी डिजिटल लेन देन की प्रक्रिया। डिजिटल भुगतान मार्च 2020 तक हुआ 3,434 करोड़। बिग बॉस में कंटेस्टेंट्स को लग सकते हैं बड़े झटके। सीजन का नॉमिनेशन और एविक्शन होगा एक साथ। सारा गुरपाल हो सकती हैं शो से बाहर। बंगाल के प्रसिद्ध अभिनेता सौमित्र चटर्जी को हुआ कोरोना। 85 वर्षीय सौमित्र चटर्जी का कोलकाता में चल रहा है इलाज। और आज आईपीएल में केकेआर और आरसीबी में टक्कर। रॉयल्स चैलेंजर बेंगलुरु रखना चाहेगी जीत की लय बरकरार। दोनों टीमों ने 6 मैचों में 4 मैच में की है जीत दर्ज।